जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जीएस जीके के 50 लगभग 150 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जहां पर सामान्य दिन की सीरीज में जो जीएस की सीरीज है, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी साथी, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न के, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है ये परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यहाँ से वो सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रश्न को देख रहे हैं, वे सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने साथ साथ खुद का भी एक नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि ये 150 टॉप के वे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है या प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न बैंक हैं, उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। और आप सभी साथी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आजकल प्रश्नों जो परीक्षाओं के में ट्रेंड जो है, ये जीएस जीके के विविध के वे नए प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं, वे आगे भी बने रहिएगा। एक एक करके सभी सवालों के जवाब दीजिएगा। कुछ कठिन सवाल होंगे, कुछ सरल सवाल होंगे। जहां भी आपको ना आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब देते रहें, प्रश्न से ही प्रश्न बनाते रहेंगे और आपको कदम दर कदम आगे भी लेकर चलते रहेंगे। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, कह रहा है कि वैदिक शब्द होता है से मतलब है। ये इतिहास के सवाल है और आपको इतिहास में कितनी पकड़ है, कितनी कमांड है, उसको भी देखते हुए चलना है। जी हाँ, अगर हम बात करें वैदिक शब्द से क्या होता है, माने सामवेद के पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित, यजुर्वेद के पुरोहित, अथर्ववेद के पुरोहित। प्रश्न नंबर एक का जवाब आप लोगों ने सही दिया है कि वैदिक शब्द में जो होता है वो क्या है। होता जो होता है वो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं। अगर आप लोगों ने इस सवाल के उत्तर को जवाब भी दिया है, इसका मतलब आप सभी के सवाल पूरी तरह से सही हैं। और काफी लोगों ने इस प्रश्न के जवाब भी दिए हैं, और जितने भी लोगों ने इस सवाल के जवाब में को भी दिया है, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है। ये जो प्रश्न की सीरीज दिख रही है, ये प्राचीन इतिहास की सीरीज है। यूँ कहें कि प्राचीन इतिहास के प्रश्न बैंक की सीरीज में से हमारे आपके सामने लाई गई है और हम सब इसमें लास्ट तक बने रहेंगे। जी हाँ, यवन, सातवाहन, खारवेल, सेनवन, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं जहाँ सबके परीक्षा में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर प्रश्न नंबर दो की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा खारवेल। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी, खारवेल होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही, जितने भी साथी मित्रों ने जवाब दिया है। हम पढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में और राष्ट्र हित में है। सर्वप्रथम पाषाण कालीन, सर्वप्रथम अगर बात करें तो जो पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति का अन्वेषण किसने किया था, ये भी काफी यूनिक और काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस प्रश्न को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ब्रूंस फ्रूट, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, दयाराम सहनी, सभी साथी जवाब देते रहेंगे। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपके सामने जहां से भी आ रहे हैं ना, उन सभी जगहों पर इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देते रहने हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर होगा ब्रूस फ्रॉन्ट, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका, ए। अगला है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की आकृति क्या थी, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार या षष्ठभुजाकार। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, वे सभी साथी कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। चलिए, अगर आपने जवाब दे लिया होगा तो हम इसी के साथ नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर करते रहें। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एकदम सही आप लोगों ने बताया है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आयताकार। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करें, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, फास्ट पढ़ाएंगे। प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। देखिए, जैन संगीत के साथ साथ बौद्ध संगीत भी पूछे जाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि परीक्षाओं में जैन और बौद्ध दोनों संगीत भी पूछा जाता है, और दोनों संगीत जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, परीक्षा के आईने से अगर हम बात करें, तो काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी जरूर जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ वीडियो को बने हैं। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा सी,
पाटलिपुत्र। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, पाटलिपुत्र बताया है, तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बात करते हैं अगले सवाल और अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं सीरा है? थोड़ा और डालो, अभी तो गुलाब जामुन ठीक है, तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम बात करेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, वैष्णव का विशिष्टा द्वैत सही है, ब्रह्म का द्वैत सही है, रुद्र का अद्वैत यह आपका गलत है, सनक का द्वैता द्वैत यहाँ पर यह भी सही है। मतलब गलत जो है वो आपका सही है। यहाँ पर यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जितने लोगों ने प्रश्न नंबर 6 का सी बताया था, उन सबके जवाब सही है। बाद में इसके बाद में इसकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी। अगला है आपके सामने, मानिकखेट नगर किसने बसाया था? अमोघवर्ष, धर्मपाल, वत्सराज, गोविंददेव। ये हिस्ट्री के सवाल है, इतिहास के प्रश्न है जो आपके सामने आपके बोर्ड पर एक एक करके क्रमवार रूप से आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी मित्र इन सभी प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वे काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। और हम चाहेंगे कि आप सब भी इस प्रश्न को देखें और जवाब दें, शेयर करते रहें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आप लोगों ने बताया है, अमोघवर्ष। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, उन सब के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आखिर में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बस ये बताएंगे कि नेपोलियन किसे कहा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अधिराजेंद्र को, राजेंद्र प्रथम को, राजेंद्र द्वितीय को, महेंद्र पंचम को। सभी साथी जवाब देंगे, सभी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट अंदाज में, सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा। अब की बार सिलेक्शन हमारे के लिए, हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी साथी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को इस तरह के सवाल जब भी परीक्षा में आए तो एक भी सवाल गलत ना होने पाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने, सभी लोगों ने सवालों के जवाब दे दिए हैं और हम इसी के साथ और आगे भी बढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, आप लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा, और हम इसी के साथ फिर से और आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो शेयर हो चुके हैं, सभी जगह पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हिस्ट्री के प्रश्न है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का सवाल है। जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं वे सभी जवाब देंगे। गैसुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, अबू वक्र 1392 से 1398। प्रश्न नंबर 9 का सभी साथी जवाब देंगे। एक बात याद रखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे, अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, सल्तनत की बात करें, तो सल्तनत काल में सबसे छोटा किस वंश का शासनकाल रहा? दूसरा सवाल आता है, सबसे बड़ा शासनकाल किस वंश का रहा है? ये दो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और इसी को आरोही और अवरोही क्रम में देने के लिए करता है कि आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहां पर गैसुद्दीन तुगलक सही है 1320 से 25, 25 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक भी है, फिरोज शाह तुगलक भी 1351 से 1388 था। लेकिन अबू कर्क जो है वो यहाँ पे गलत है, 1392 से 1398। यहाँ पर इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। तो ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर क्या है, डी बताया। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पढ़ा है, समझा है, उन सभी के जवाब क्या है, यहाँ पर सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे, फिर से आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो जानते रहिएगा, ये अभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि नहीं वाले सवाल खूब झोला भर भर के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मसूलीपट्टम का पर अधिकार जो था किसने किया था, फोर्ड ने किया था। पुनः जो जजिया कर लगाया था वो फरूक शियर लगा था, ये भी सही है। दास्ताकंत मैलकम ने किया था, यही आपका गलत है, मतलब ये आपका गलत है। सती प्रथा का निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। यहाँ पे देखिए, तीन नए प्रश्न भी आपको मिल गए। तीन नए प्रश्न कौन मिला, सती प्रथा का निषेध कौन अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पुनः जजिया कर लगाया फरूक शियर, मसूलीपट्टम का अधिकार किसने किया, फोर्ड ने। तो तीन नए प्रश्न भी आपको साथ ही साथ मिल गए। इसलिए इस प्रश्न की अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही जवाब जो होगा वो है आपका सी। अगर आपने भी इस प्रश्न के उत्तर को सी बताया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से यहाँ पे सही है। ठीक है, सभी लोग जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कॉमेंट करके जवाब देंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे इस प्रश्न को, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाने और शेयर करने का। जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट अंदाज में।
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ पे ध्यान से एकदम जवाब दिया आप लोगों ने, अब्दुल कादिर बदायूनी, मतलब डी वालों के जवाब यहाँ पर सही है। अगर आपने भी इस प्रश्न के उत्तर डी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। कुछ लोगों ने सी बताया, सी वालों के गलत हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। कौन सा सही नहीं है कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही नहीं है। मोहम्मद गोरी ने देहली वाल सिक्का चलाया था। यहां पे देखिए सिक्का है, यह है देहली वाल, देहली वाल। इल्तुतमिश ने टंका जीतर अदल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, यह भी सही है। बलबन मासा, यह भी सही है। फिरोजशाह तुगलक टका ए अलाई, यह गलत है। और जो गलत है वही यहां पर आपका सही, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। तो जितने भी मित्रों ने इस प्रश्न के जवाब को डी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। किस सूफी संत ने स्वयं को अनहलक घोषित किया था? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं। अनहलक, अन हलक, तो जरा बताइएगा कि अनहलक किसने घोषित किया था। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस प्रश्न को देख रहे हैं सभी लोग। शेख इस्माइल, रबिया, मसूर बिन हल्लाज, मसूर हल्लाज कुरैशी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका यहां पे सी। देखिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे उसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। किस सूफी संत ने स्वयं को अनहलक घोषित किया? अभी यही प्रश्न आपके सामने था, मंजूर बिन हल्लाज। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है आपको किताबों में कम बहुत कम मिलता है देखने को, इसलिए मैंने इसको पूछ दिया। और टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क देशित में राशित में मिलती रहेंगी। तो दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? खान, उलेमा, मालिक, सूफी संत। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी डी, यहां पर सूफी संत को दस्ता बंदान के नाम से जानते हैं। हम बढ़ते हैं फिर से इसके नए सवाल और नए प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में बहुत, अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग इस प्रश्न का जवाब गलत करते हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, ठीक है? देखते हैं सवाल का सबसे सही जवाब कौन देता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर कब से कब तक का बंगाल का नवाब था? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। 1750 से 1757, 1757 से 1760, 1760 से 1762, 1768 से 1770। तो आपने एकदम सही जवाब दिया है, 1757 से 1770, मतलब 20 प्रश्न का सही जवाब है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है 1602, माने डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना वो 1602 में। जी हाँ, कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है, प्रश्न नंबर 16 का जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुकर चकिया मिसल की स्थापना किसने की थी? जस्सा सिंह, कपूर सिंह, चरत सिंह, छज्जा सिंह। तो सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी। ये वीडियो फेसबुक पर, ये वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रहे हैं एक साथ। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चरत सिंह, मतलब सी। अगर आपने इस प्रश्न के जवाब दिए ना तो जवाब आपके सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, पिंडारी का युद्ध कब हुआ था? पिंडारी का युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16, 1815 से 16, 1817 से 18, 1820 से 21। तो यहां पर होगा 1817-18, पिंडारी युद्ध। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जवाब जरूर देंगे, गलत या सही। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया, देवेंद्र नाथ टैगोर, मतलब यहां पर भी इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सी है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की उत्तर है, मतलब प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किसने कहा था? यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। एस एन सेन, जॉन लॉरेंस, आरसी मजुमदार, टी आर होम्स। तो कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब बी दिया, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट अंदाजे प्रश्नों को पढ़ेंगे।
अगला है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26 के समय गवर्नर जनरल कौन था? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी के जवाब जरूर होने चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हमहर्स्ट, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड। जी हाँ, अगर आप लोग इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर होगा लॉर्ड एमहर्स्ट, मतलब इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वह है आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो उसके पहले भी आप लोग जान लीजिएगा कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा गया। मोस्ट आईएमपी सवाल है ये, और ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं झोला भर भर के। सभी लोग इस प्रश्न के जवाब जरूर दीजिएगा। एक बहुत ही यूनिक प्रश्न है, मैं बार बार कहूंगा, सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीएस में पकड़ के साथ साथ आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न के उत्तर आप सभी को बताते भी रहना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिएगा। लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अच्छा लगता है कि आप लोग जवाब देते हैं, गलत हो सही हो जवाब आप सबके जरूर आने चाहिए। अगला है, देखिए यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आप लोग के घर बैठे मिल जाएंगे। जहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स हैं, यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जहाँ पर आप यूपी पीसीएस, एसएससी, बीओ, UP SSC, UP PET, पुलिस RO, लोअर PCS, सुपर टेट, UP TET, TGT, PGT, इन सभी की नोट्स, इसके अलावा जो बहुत सारे नोट्स होते हैं वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे इसके स्क्रीनशॉट रख लें, वैसे आपकी मर्जी, मेरी क्लास निःशुल्क है, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ है, पाठ्यक्रम पर है, की पॉइंट के साथ है। अगला है, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने भी साथी मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही सही दे पाते हैं। लॉर्ड मैकॉले, जोनाथन डकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स टॉमसन। जरा फटाफट अंदाज देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर सबसे ज्यादा सही कौन कौन देता है, कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। एकदम सही आपने जवाब दिया है। अरे जवाब दीजिए, देखते हैं आपके पास यार टाइमिंग भी चल रही होगी। टाइमिंग कितने लोग देख रहे हैं कि आप टाइमिंग के साथ कितने सेकंड में उत्तर दे रहे हैं। चार्ल्स ग्रांट सी इस प्रश्न का सही जवाब है। कौन सा सत्य नहीं है, अधोलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा, भारत माता, अजीत सिंह, भवानी मंदिर, पीएन वापट, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा, भारत माता, भवानी मंदिर जो है, पीएन वाट, यही गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका सी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है? आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगला है, कौन सा सत्य है? चार विकल्प है, इसमें से आपको एक सत्य जो है वही कमेंट करके बताना है। इंडियन हाउस 1906, अभिनव भारत 1905, गदर पार्टी 1911, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1914। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1914। यह आधुनिक भारत के इतिहास है, यह आप लोग को इलनी बी दुर्गेश के नोट्स में पूरा पूरा मिल जाएगा। अगला है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। एकदम सरल सवाल है, ये आपको लूसेंट की किताब में मिल जाएगी, मतलब कहीं खोजना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर लूसेंट में कहाँ मिल जाएगा, या हमें सस्ती किताब क्यों पढ़नी है, तो आप याद रखिए, आप देखिए ऐसे भी सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, हेरोडोटस, हेरोडोटस किसके पिता है कमेंट करके बताइएगा। हेकेटियस किसके पिता है कमेंट करके बताइएगा। इरेटोस्थनीज भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। हेरोडोटस किसके जनक है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? किसने सबसे पहले भूगोल को क्रमबद्ध किया था, इसका भी जवाब आपको दीजिएगा। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल के जनक कहे जाते हैं। इसके लिए भी जब इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या अंतर है, इरेटोस्थनीज हेरोडोटस में क्या अंतर है, ठीक है? ये भी आप लोग पढ़ेंगे और इस बार भी इसके बारे में भी जानेंगे, हेकेटियस के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ सीरीज ना, अब जो हम लोग शुरू पढ़ने भूगोल के, अभी तक हम लोगों ने इतिहास के सवाल पढ़ लिए थे, अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं ज्योग्राफी में, ठीक है? तो ज्योग्राफी में क्या होगा, जब एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। अपसौर कितनी तारीख को होता है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी जवाब जरूर देंगे।
देखिए झील है, अवस्थिति है, नक्की झील गुजरात, पुलिकट झील। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा विवादित हो जा रहा है, इसके कई सारे उत्तर हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो पुलिकट झील है ये भी तो ये नक्की झील गुजरात में है, लेकिन पुलिकट झील जो है ये गलत है। लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है। उन कोलेरू झील जो है वो तमिलनाडु केरल में है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऊपर डी, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है इसलिए इसको छोड़ें। जो पुलिकट झील है ना ये दो राज्यों की सीमा पर है, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये दो प्रश्न गलत है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं स्टार लगा के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? प्रश्न नंबर 30 के जवाब सभी को देना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा। सागौन के वन पाए जाते हैं, अगर प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा एक ही जगह। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। सभी साथी जवाब देंगे इस प्रश्न का। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश ए। ये अगर आपने बताया तो जवाब इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, कूट वाला सवाल है और ये सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। यहाँ चारा का हिल स्टेशन है, दूसरी तरफ राज्य है और हम चाहेंगे ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। बन्नी चरागा ये जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। अगर हम बात करें बग्याल चरागा ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो होगा, बन्नी चरागा गुजरात में है, बग्याल जो है, बग्याल और प्यार ये जम्मू कश्मीर में होगा। बग्याल चरागा उत्तराखंड में है, बग्याल उत्तराखंड में है, और है खजियार जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, पहलगाम जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। मतलब डी का दूसरा यहाँ पे है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो इसका जवाब सही है। ठीक है, सब गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न से एक बात आपको ये फायदा हो जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूरे तरह से अपने आप में कंप्लीट हो, इसलिए कमी सब में होती है और हमें अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए और लगातार आगे भी बढ़ते रहना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता और आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है, अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा कच्छ का रण, कच्छ का रण में है और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछता तो गुजरात, कच्छ का रण। अगला है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में किस नदी पर हुआ? जी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, ज्यादातर सवाल आपको लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएंगे। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और सतलज नदी। तो प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं, सतलज बताए हैं, तो आप सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुरानी है? नीलगिरी, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। ये बहुत ही यूनिक सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर आप बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंधी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर सभी क्लास और नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलते रहेंगे। वैसे अरावली एकदम सही जवाब आप लोगों ने बताया है। किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक सवाल है। सूरजमुखी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे।
तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा तेल की अगर हम बात करें तो तिल में होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। अगला है आपके सामने, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? देखिए, अभी ये सवाल पूछा था, बस उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया है। अधिकतम दूरी पर कहां पर है? जुलाई में। अभी ऊपर भी आपने देखा होगा प्रिया जी ने इस प्रश्न का जवाब दिया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अहम प्रश्न और सवाल था। सभी को समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट कोई सवाल हो तो फिर पूछ सकता है। एक सवाल आपके सामने है, मिलान करने वाले हैं इतर, इसमें एक शहर है दूसरी तरफ देश है, और उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। दाओस जो है ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और बर्सिलोना की अगर हम बात करें तो जो बर्सिलोना है ना स्पेन में है। ऑकलैंड अगर हम देखें तो ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड में है। कैंडी श्रीलंका। अब आप बताइए इसका कौन सा मिलान सही होगा? ए वालों के जवाब यहाँ पे सही है। अगला, मैनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी। आप ये देख पा रहे होंगे ना कि भूगोल में इतिहास में कहाँ कहाँ से प्रश्न ज्यादा उठा के पूछे जा रहे हैं, तो आपको जब अगली तैयारी करनी होगी, जब आगे आपको पढ़ना होगा, तो आपका जो माइंड कॉन्सेप्ट है वो ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली का, जापान का, अमेरिका का, अलास्का का। एकदम सही आपने बताया, अमेरिका का। निम्न पर्वतों में कौन सा टर्सियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा। एंडीज है, कुनलुन है, आल्पस है, अप्लेशियर नहीं है। अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, 40 का डी। हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने आ रहा है। कौन सा सबसे गहरा सागर है? भूमध्य सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर। जी हाँ, अगर मैं आप बात करें इस प्रश्न के जो सबसे सही उत्तर है वो होगी दक्षिणी चीन सागर। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। पाथितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मृदा और जल, मनुष्य और वन, जीव और वातावरण, पति और पत्नी। एकदम सरल सवाल है और उम्मीद करते हैं सभी लोग जवाब दे लेंगे, जितने भी लोग इस प्रश्न को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, जीव और वातावरण। मतलब सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। शांत घाटी कहाँ है? बहुत सरल सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देख लेंगे, केरल में है। बहुत यूनिक सवाल है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल पर वनाच्छादन होना चाहिए 33%, 43%, 27%, 30%। सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। 33% सभी के जवाब यहां पे सही थे। अगला, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, शायद आपको भी दिख रहा होगा। कौन सा सीडीएम के लिए सत्य है? कौन सा सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? यह हरित गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, सही है। यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है, यह भी सही है। केटो प्रोटोकॉल, इसके तहत सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया जाता है, यह भी सही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं की पूंजी लगाने का निषेध करता है, यह गलत है। इसलिए जो गलत है वही आपका ये सही है। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बहुत ही आसान है, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, जो भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन में बने हैं या इस सेशन को पढ़ रहे हैं। असम, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो सभी साथी इस प्रश्न के जवाब को जरूर देंगे। समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, प्रयागराज, बखीरा, संतकबीर नगर, सांडी, हरदोई। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बी। ठीक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे काबरताल झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ, यह भारत के किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़,
बिहार, असम। सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि सिलेक्शन वाले सवाल हैं, मतलब यहाँ से टॉपिक आपने देख लिया होगी, परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, झोला भर भर के आते हैं उसे। एकदम सही आप लोगों ने बताया, बिहार। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा। सभी लोग बताइएगा, कृत्रिम वर्षा क्या है? कृत्रिम वर्षा, यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक कारक, जैविक सूचक का कार्य करता है? फर्न, लाइकेन, अमरबेल, मनी प्लांट। सभी लोग जवाब दीजिएगा, बी, लाइकेन। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1975, 1985, 1986, 1988। बताइए। 1985। किसने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ईपी ओडम, सी रॉनकियर, अर्निजनेस क्लीमेंट्स। तो अर्निजनेस, यहां से पर्यावरण शुरू चल रहा है आपका, यहाँ पे पर्यावरण है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? अब यहाँ से भारतीय संविधान का सीरीज शुरू हो रहा है, तो जो भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे आप कमेंट करते चले कि अब संविधान भी आपके साथ शुरू हो चुका है, तो जवाब देते रहे यहाँ पे। 138, 139, 141, 142, अनुच्छेद डी 142। क्या किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है यहाँ पे? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 400, 500, 475, 550। निम्नलिखित में कौन सा सत्य संघ लोक सेवा आयोग क्या है? वैधानिक संगठन है, नियामक है, संवैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, यहां पर होगा 500। बहुत ही यूनिक सवाल है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये बहुत ही यूनिक सवाल है परीक्षा वाले। संवैधानिक संगठन है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ। कौन सा संसद अनन्य भाग नहीं है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI, इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा डी, उपराष्ट्रपति। संसद का भाग नहीं, क्योंकि संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, यहां सन 2005 में। आप चाहें तो इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलें। एक सवाल है, RTE का फुल फॉर्म क्या होगा? एक संघी व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा। बताइए जल्दी जल्दी। 1935 के अधिनियम के द्वारा, अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 310, 311, 312, 315, 312, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, यहां पे देखा था हम लोगों ने अभी, संघ लोक सेवा आयोग, ये अखिल भारतीय सेवा का ही हिस्सा है।
ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, यहां भी उत्तर इसका सी है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मेनका गांधी, एके गोपालन, गोलकनाथ, केशवानंद, भारती। सभी साथी जवाब दीजिएगा, केशवानंद भारती सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, संविधान सभा होती है सामान्य कानूनों के निर्माण के लिए, सामान्य कानूनों के में परिवर्तन के लिए, किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा सी। क्लियर हो रहा है सबका? सबको समझ में आ रहा है? सबने वीडियो को शेयर किया है? कर दीजिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होगी? केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान की तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है, इनमें कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब सवाल आता है तो लोग परीक्षा में गलती भी कर जाते हैं। लेकिन नोट्स से संबंधित जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर अगर बात कर राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बी, एकदम सही आप लोग का। लेकिन अब आपको बताना है कि दो शक्तियों को वितरण विनियमित करता है, तो 245 और 246। ठीक, आप तो ये जानते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है 245? मतलब अगर आप लगातार पढ़े रहेंगे, क्लास में रहेंगे, नोट्स पढ़े रहेंगे, तो ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो इसका उत्तर देना आपके लिए उतना कठिन नहीं होगा जितना आपने सोच के रखा है पहले से। हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? संसद, राष्ट्रपति, किसी राज्य का विधानमंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी के जवाब आने चाहिए यहाँ पर। किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। नीचे समय की सेकंड भी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप एनसीईआरटी के सभी जो नोट्स है कक्षा 6 से लेकर 12 तक, वो ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जो पीडीएफ में। बाकी सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। आज ही प्ले स्टोर से आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। ये सीरीज आप सभी के लिए, ये नोट्स भी आपके लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं आप लोग के सीरीज को लेकर। आगे है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? राज्य के लिए अगर बात करें, कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो राज्य का केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह, 2 वर्ष। इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, सबसे सरल सवालों में से एक है, 6 माह। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, 1935, 1929, 1937, 1947। 1937, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब सही थे। अगला है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। मेरा सवाल है आप सभी से, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा, तो भारत के लोकसभा का अध्यक्ष किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? हो सकता है अगले सीरीज में प्रश्न आपके सामने भी आ जाए, लेकिन आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 और 1 के अनुपात में। देखिए, संसद के अस्थायी समिति के सदस्य को 3-1 के अनुपात में, 4, देखिए यहाँ पे 2:1, 3:1, 4:1, दोनों सदनों की सामान्य संख्या माने 1:1। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा ए, 2:1। ठीक है, माने लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कौन सा भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान है? अब यहां से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न शुरू हो गए,
भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें विद्युत गैस जल आपूर्ति कृषि संबंधी क्रियाएं विनिर्माण उद्योग और सेवाएं हमारे सबसे ज्यादा सेवाएं। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना वे सभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं ना उससे ये हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है। ठीक, भारतीय जनता के लक्षण नहीं, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, माने जो यहाँ पर गलत है ना वही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, 69 का डी होगा, सेवाएं जो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। हरा सूचकांक विकसित किया गया था, मोस्ट आईएमपी है आप सभी के लिए, विश्व बैंक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, तो सभी साथी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे तो यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। मेरा सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जन्म दर से, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। तो जो हिंदू समृद्धि दर है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बार बार कहूंगा यह प्रश्न आपके सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, एक बार अगर नजरों के सामने से यह प्रश्न गुजरा रहेगा ना आप इसके जवाब जरूर दे लेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम आपके साथ इस प्रश्न की सीरीज में। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, मतलब यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से एक नए सवाल की तरफ, फिर से एक नए प्रश्न की तरफ। भारतीय योजना, भारत में योजना प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू, भारतीय योजनाओं के वास्तुकार कौन थे, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सीडी देशमुख, पीसी महान बोलिस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पीसी महान बोलिस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गल्ला, सरकारी गल्ले की दुकान आप लोग जानते हैं, कोटा जिसे कहते हैं, कोटा का आप सुना आप लोगों ने, कोटा या सरकारी गल्ले की दुकान जहां पे फ्री में राशन मिलता है, कोविड काल में याद है आपको, उसी को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी कालाबाजारी रोकना ये गलत हो जाएगा, व्यापारी द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर रोकना, तो यहाँ पर देखा जाए ये गलत है यहाँ पे ये भी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, कि इसका मतलब ये होता है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना यह सबसे इसका पहला कारण है। आपने देखा कोविड के समय में अनाज मुफ्त दिया जाता था, उसका कारण यही है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, प्रिया जी ने जवाब दिया है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहां पर, आप लोग भी जवाब दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ट्राइसेम, ये योजनाएं हैं, ट्राइसेम अगस्त 1979 सही है, एनआरईपी अक्टूबर 1980, जे आर वाई ये गलत है, 1995 SGSY ये भी सही। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, योजनाएं हैं, पढ़ना होगा ई लर्निंग दुर्गे इसके नोट्स में जाएंगे, जब भारतीय जनता की सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे सभी योजनाएं हैं उसमें आपको इसका शॉर्ट और फुल फॉर्म दोनों मिल जाएगा। भारतीय रुपए का परिवर्तनीय बनाया गया, कब बनाया गया कमेंट करके बताइएगा, 1 जुलाई 1993, अगस्त 1994, अप्रैल 1995, जुलाई 1996। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अगस्त 1994, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब यहाँ पर सही है। हम और आगे बढ़ते हैं, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था, 1949 में, 1966 में, 1990 में, 1972 में, सभी लोग जवाब दीजिएगा।
1949। इस प्रश्न का सही जवाब है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी सही जवाब देंगे यहाँ पर। दलहनी खेती का संवर्धन, तिलहनी खेती का बढ़ावा, खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि निर्यात का संवर्धन। यहाँ पर डी होगा, कृषि निर्यात का संवर्धन। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा डी, कर्नाटक। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1947, 1948, 1949, 1950। 1948। बी वालों के जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल आयात में, तेल अनुसंधान में, तेल शोधन में, तेल विपणन में। तेल अनुसंधान में, मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है आपका बी। अगला है भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जबकि राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है। वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। अगला है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट आईएमपी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मुंबई इस प्रश्न का सही जवाब है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, देखिए अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सवाल खत्म हो गए, अब हम लोग बढ़ रहे हैं साइंस की तरफ। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पार्सेक। ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और टेलीग्राम पर दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी लोग जुड़े रहेंगे और प्रतिदिन क्लास में समय से आएंगे और समय तक बने रहेंगे। पार्सेक इस प्रश्न का सही जवाब। अगर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया ना उन सबके जवाब यहाँ पे सही है। कुछ लोग प्रकाश वर्ष कह रहे हैं, कुछ लोग किलोमीटर कह रहे हैं। अरे यार अब यहाँ तो गलती मत करिए, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सही जवाब है सेबी का फुल फॉर्म का। अगला है नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये न्यूटन का कौन सा नियम है। तो आप ये जानते हैं न्यूटन का ये तीसरा नियम है, मतलब सी। पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, अपकेंद्रीय बल। तो जितने भी साथी इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं वे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। चुंबकीय बल, इसे सामान्य विज्ञान कहते हैं, ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं। अगला है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। ये सब आपको इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट से मिल जाएगा। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता सही है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, ये भी सही है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता, ये गलत है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता, ये भी सही है। आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका सी, ठीक है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 89 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जी। ये श्यानता घट जाएगी, श्यानता बढ़ जाएगी, श्यानता समान रहेगी। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, श्यानता घट जाएगी। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही होगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक युग में कौन सम्मिलित नहीं है, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि तड़ित चालक, यहाँ पे है फ्रैंकलिन सही है, टायर का डनलप सही है, होलोग्राफी डिवीजन, वायन मेंडलीफ, ये गलत है। आप लोग खुद ही जानते होंगे वायन के जनक कौन है, ये जनक है सब। कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, सभी लोग जवाब देंगे कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम है, नियान है, रेडॉन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। इसका भी जवाब क्या होगा डी। इसकी भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। प्रतिदिन आप लोग क्लास में एकदम टाइम से बने रहिएगा, टाइम तक रहिएगा। अगला आपके सामने है, ये मिलान करने वाले सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मिथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन O3, अमोनिया NH3। एकदम हलवा था, ये सभी आसानी से कर लेंगे। मैंने जितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं वे सब इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। क्या कोई ऐसा भी था जिसको ये नहीं पता था, बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पे पदार्थ है, दूसरी तरफ उसका पीएच मान है। नींबू का रस 2.2, दूध 6.8, मानव का इतना, ब्लैक कॉफी गलत है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सी है। अच्छा मानव के मूत्र का क्या है, मानव के
मूत्र का पीएच मान क्या होगा? जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, पीएच मान क्या होगा? ठीक है, सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा और डेली क्लास में बने रहिएगा। हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। डी ठीक है, सभी लोगों ने इसका जवाब दे दिया ना। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिश्रण के दो उदाहरण कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। नमक तथा शरबत, वायु तथा शरबत, नमक तथा पीतल, नमक तथा पानी। निम्न किस पदार्थ में रबड़ विलयशील है? रबर विलयशील है। 95 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। नेप्था, वायु तथा शरबत। 94 का जितने लोगों ने बी बताया है उन सबके जवाब यहां पर क्या है? सही है, वायु तथा शरबत। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को दिक्कत नहीं, कोई डाउट? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण तत्व, यौगिक, पदार्थ। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा यौगिक। सी वाले का जवाब यहाँ पे सही है। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। 97 का जवाब दीजिएगा, हाइपोथैलेमस। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, मछलियों में के दुर्गंध का कारण क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ट्राइमेथिलीन एमीन ऑक्साइड, इसका यही पहला ही सही है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? सभी लोग दीजिएगा, पड़हरित, कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। ये सामान्य विज्ञान के सवाल है, एंथोसाइनिन। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, गुर्दे में। सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। डेली आप लोग क्लास में लाइव रहिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। आयोडीन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए क्या आवश्यक है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, एग्रीकल्चर के सवाल है और आपको जानना चाहिए, माने कम उर्वरक कम पानी। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या होगा, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, मतलब हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक थी अधिक उर्वरक और अधिक पानी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, रक्त में कैल्शियम कमी से, गलत, रक्तचाप बढ़ाने से, विटामिन ए की कमी से, ट्रिप्सोनोमा नामक एक कोष की जीव से। डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। तो 103 तक पढ़ चुके हैं हम लोग और सब लोग टाइम से क्लास में रह गए। क्लास की टाइमिंग पता नहीं सबको। ट्यूमर सुनिश्चित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक क्या है? AS-74, आर्सेनिक-74। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक, मोस्ट आईएमपी है? यूपी स्पेशल की सीरीज आपको थियरी और यूपी स्पेशल की आप लोग को एमसीक्यू दोनों उपलब्ध करा दिया गया, और अगर आपने देखा होगा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। एकदम सही आपने बताया, लखीमपुर खीरी। ये सब आपको लेनी भी दुर्गेश नोट्स में मिल जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, एकदम सरल सवाल हो, सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू पलास। डी अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर बनाया जा रहा है? मिर्जापुर। सी उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। लखनऊ। सी वालों के जवाब यहां पर सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? रायबरेली में। हल्का सवाल है ना, एक कूट वाले सवाल है, और मैं चाहूंगा ये कूट वाले जो सवाल होते हैं ना, इन सभी को आपको जवाब देना होगा।
फिरोजाबाद, कानपुर, नजीमाबाद, सहारनपुर। फिरोजाबाद आपको भी पता होगा, चूड़ी नगरी। कानपुर की बात की जाए तो चारों माल, सहारनपुर प्लाईवुड, नजीबाबाद प्लाईवुड हो गया, सहारनपुर हो गया, तब कागज। ठीक है, ठीक है, दो दो, एक एक, तीन चार चार, तीन। हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तब ए होगा। सहारनपुर, वैसे प्लाईवुड, सहारनपुर में भी लकड़ी के ही काम होते हैं, यहाँ पर भी लकड़ी कास्ट के काम होते हैं। देश में निम्न उद्योगों में सही केंद्र का मिलान करिए, सभी को मिलान करना है यहाँ पे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। आंवला, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। मोदी नगर, रबड़, बाराबंकी पाली फाइबर, कानपुर में विस्फोटक, आंवला उर्वरक। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी का चार, डी का चार, एक परिवार, बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा फिर घटा। आप देख रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न बैंक सीरीज हमारे सामने खुल रही है वो एकदम सिलेबस के आधार पर है, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। एकदम सही आपने बताया, निरंतर बढ़ा है। ए, जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सरचिप मिजोरम। ए, ये आपके सिलेबस में आपको भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। 2011 जनगणना का कौन सा आदर्श वाक्य यूज किया गया, देखिए आप लोग टेलीग्राम पर सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। जो भी साथी से फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, शेयर करिएगा। और क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है ना, आप लोग डेली क्लास में टाइम से एकदम जुड़िएगा और टाइम तक रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, यह थीम थी, आदर्श वाक्य था। चलिए आज के लिए कोशिश करते हैं इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे शुरू खत्म करते हैं। फिर कल हम लोग इसी टाइम आपके लिए लाइव होते हैं डेली क्लास के लिए, फिर से मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िए, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद जिसकी पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, और आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास और नोट के संबंध अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट वीडियो को शेयर करते रहें और जवाब देते रहें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या, मतलब नई नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो बनाई गई थी सन 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डी, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कल हम लोग इसके आगे सीरीज को पढ़ेंगे। क्लास की टाइमिंग क्या आप लोगों ने अपने पास रख लिया है, क्या कोई ऐसा भी जिसको क्लास की टाइमिंग ना पता हो, या कोई चाह रहा हो या सर इसकी क्लास की टाइमिंग क्या है, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको क्लास की टाइमिंग पूरा पूरा कन्फर्म करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी ऑस्ट्रेलिया दिया है, इसका मतलब आपके जवाब सही है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करते रहिए, जवाब भी देते रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज, ये प्रश्न बैंक आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहे, थैंक यू, और इसी तरह शुरू से लेकर अंत तक क्लास में आगे भी बने रहिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, और आप अगर साथ देंगे तो हम आपको परिणाम तक और आपके सिलेक्शन तक जरूर लेकर चलेंगे। ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और हम आपके साथ कदम दर कदम चलते रहेंगे। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, आवेदन कर लिया है, नहीं किया तो आवेदन करके पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। फिलहाल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नए सेशन के साथ, शेयर करते रहिएगा। तो कोई व्यक्तिगत सवाल या मैसेज हो, इलानी पर दरगेज इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू, ठीक है, आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं लगेगा।
ठीक है, नीचे टाइमिंग भी चल रही होगी आपकी, देख रहे हैं ऐसे करके। सभी लोग लाइव जुड़िएगा क्लास में, एकदम टाइम से रहिएगा। ठीक है, ढेर सारा थैंक यू, अच्छा लगी क्लास। क्लास में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, वीडियो सीरीज कैसी लगी, अपने सभी मित्रों को बता दीजिएगा क्लास की टाइमिंग, और आपके सभी मित्र क्लास में टाइम से लेकर टाइम तक बने रहें, तभी तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। जब आप लोग ही साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे पढ़ा जाएगा, बताइए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्लास में एकदम टाइम से टाइम तक बने रहिए।